हेलो बच्चों, मैं विपुल सिंह आज हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए क्लास ट्वेल्थ यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर धारिता था संधारित्र का लेक्चर नंबर 2 लेकर के आया हूं। और इस लेक्चर में हम लोग डील करेंगे 3 और 4 टॉपिक। ये धारिता तथा संधारित्र का लेक्चर नंबर 3 है और इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे जिस टॉपिक का नाम होगा वो है आवेशित चालक का ऊर्जा, और पढ़ेंगे उभयनिष्ठ विभव और आवेश का स्थानांतरण, और इसके आगे टॉपिक पढ़ेंगे ऊर्जा का हानि। यानी आज 3 और 4 टॉपिक कवर करने वाले हैं। आप बने रहें कम से कम मेरे साथ 1 घंटा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने जो भी पढ़ा था उसको थोड़ा सा आपको रिकैप कराता हूं कि किसी भी चालक का धारिता उसका वह योग्यता है जिससे वो आवेश को अपने पास जमा करता है। सी बराबर क्यू बटा में भी फॉर्मूला होता है। गोलीय चालक का धारिता सी बराबर 4π ε0 × r होता है। पृथ्वी का धारिता 711 माइक्रोफराडे होता है। चालक की धारिता 3 बातों पर निर्भर करती है। चालक आकार तथा आकृति पर निर्भर करती है, क्षेत्रफल का समानुपाती होती है, तथा चालक जिस माध्यम में रखा गया है उस माध्यम का अपेक्षिक विद्युतशीलता का समानुपाती होता है। अगर चालक जितना ज़्यादा हम नज़दीक अनावेशित चालक रखेंगे तो चालक उतना ही ज़्यादा चार्ज होते जाएगा, सॉरी उसका धारिता बढ़ते जाएगा। इतना बातों तक हमने देखा था, और ये भी देखा था साथ में कि एक सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोला 1 कूलम्ब आवेश नहीं रख सकता है। अभी जो है हम लोग जा रहे हैं देखने आवेशित चालक का धारिता, यानी अभी जो पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक उसका नाम है आवेशित चालक का धारिता, यानी बोले तो कैपेसिटी ऑफ चार्ज्ड कंडक्टर, कैपेसिटी ऑफ चार्ज्ड कंडक्टर। यानी अगर किसी चालक को हम आवेश देते हैं तो जाहिर सी बात है कि उसके पास कुछ विभवांतर होगा, उसका कुछ धारिता होगा, तो उसके पास कुछ ऊर्जा भी आ जाएगा। वही कितना ऊर्जा आ जाता है वही हम लोग जा रहे हैं देखने। तो हम मानते हैं कि मेरे पास एक चालक है, हमने माना कि मेरे पास एक चालक है, और इस चालक पर हमने दिया आवेश। मान लीजिए हमने इस पर आवेश दिया प्लस क्यू, जिसके कारण इस चालक के दोनों अंत के बीच विभवांतर उत्पन्न हो गया भी। माना कि चालक पर आवेश दिए क्यू जिसके कारण विभवांतर उत्पन्न हो गया भी, इसलिए चालक का धारिता होगा, चालक का धारिता क्या होगा, तो C बराबर क्यू बटा में भी, समझ रहे हैं। तो चालक का धारिता C बराबर क्यू बटा में भी, तो भी बराबर क्या हो जाएगा क्यू बटा में C। अब देखो हमको कैसे मालूम चलेगा कि इसके पास कितना ऊर्जा है, तो आपको मालूम है वर्क एनर्जी थ्योरम से 11th में कि कार्य ऊर्जा के बराबर होता है। तो हम ये देख ले रहे हैं कि प्लस क्यू चार्ज को देने में कितना काम किया जा रहा है, प्लस क्यू चार्ज को देने में जितना काम किया जाएगा वही काम ऊर्जा के रूप में स्टोर हो जाएगा। तो हम ये निकालने का कोशिश कर रहे हैं कि प्लस क्यू चार्ज को देने में इस चालक पर कितना काम किया जा रहा है, प्लस क्यू चार्ज को चालक पर देने में कितना काम किया जा रहा है। तो इसको निकालने का एक ही प्रोसेस है। हम मान रहे हैं कि बहुत छोटा सा आवेश इस चालक पर दिया जाता है, हम मान रहे हैं कि चालक पर बहुत छोटा सा आवेश दिया जाता है। बहुत छोटा सा बोले तो अगर आवेश क्यू है तो बहुत छोटा सा आवेश मान लीजिए इस पर डी क्यू दिया जा रहा है,
माना कि चालक पर बहुत छोटा सा आवेश DQ दिया जाता है, तो यहाँ पर लिख रहे हैं माना कि चालक पर बहुत छोटा आवेश DQ दिया जाता है जिसे देने के प्रक्रिया में बहुत छोटा काम DQ किया जाता है। समझ रहे हैं बात को? जब इस आवेश DQ आवेश को हम चालक पर देंगे, बहुत छोटा सा आवेश है, बहुत छोटा आवेश को चालक पर देंगे तो बहुत छोटा सा आवेश देने में बहुत छोटा सा काम करना पड़ेगा। अगर काम को W से लिखे तो बहुत छोटा सा काम DW, बहुत छोटा सा काम DW करना पड़ेगा। और आपको मालूम होना चाहिए इधर कि V बराबर फार्मूला होता है W बटा में Q, तो W बराबर V इंटू Q। विद्युत विभव का फार्मूला होता था कार्य बटा में आवेश, V बराबर W बटा में Q, तो W बराबर V इंटू Q। तो W बराबर V इंटू Q, तो बहुत छोटा सा काम DW बराबर V इंटू आवेश कितना दिया जा रहा है DQ, V इंटू DQ। कोई दिक्कत नहीं। तो DW इज इक्वल टू V इंटू, V की जगह पर क्या है Q बटा में C, तो Q बटा में C इंटू DQ। कोई दिक्कत? यानी बहुत छोटा सा आवेश DQ देने में चालक पर बहुत छोटा सा काम DW Q बटा में C इंटू DQ करना पड़ रहा है, इसलिए Q आवेश देने में किया गया कार्य। इसलिए 0 से Q आवेश देने में किया गया कार्य। भाई जब छोटा सा आवेश देने में ये काम छोटा करना पड़ रहा है तो बड़ा सा आवेश देने में बड़ा काम करना पड़ेगा। और जब कभी भी आपको छोटा चीज मालूम होता है और बड़ा चीज निकालना होता है तो आप क्या करते हैं बालक? तो आप उस समय इंटीग्रेट कर देते हैं। तो लो बालक, हमने किया इंटीग्रेट, DW को इंटीग्रेट, इधर बोले तो Q बटा में C इंटू DQ का इंटीग्रेट। कहाँ से कहाँ तक लिमिट डलाएगा? 0 से Q आवेश तक दे रहे हैं, पहले कुछ आवेश नहीं था फिर Q दे रहे हैं, तो 0 से Q DW का इंटीग्रेशन करेंगे। W और देखो 1 बटा में C कॉन्स्टेंट है, बाहर निकल गया, बच जाएगा Q इंटू DQ। Q का पावर कुछ नहीं है तो 1। और आपको मालूम होना चाहिए कि जब x का पावर n इंटू DX हो रहता है तो फार्मूला x के पावर n प्लस 1 बटा में n प्लस 1 हो जाता है। वैसे ही W बराबर 1 बटा में C। अब जब Q का पावर 1 है तो क्या हो जाएगा? Q के पावर 1 प्लस 1 बटा में 1 प्लस 1 बटा इंटीग्रेशन, बच्चा इंटीग्रेशन में प्रांगत प्राप्त कर लिया है, 0 से Q तक इंटीग्रेशन था, 0 से Q तक। तो W इज इक्वल टू 1 बटा में C इंटू क्यू स्क्वायर बटा में 2 0 से क्यू तक। तो W इज इक्वल टू 1 बटा में आई 2 को बाहर निकाल लिया तो 1 बाई 2 सी और बस जाएगा क्यू स्क्वायर 0 से क्यू तक। ना हो क्या बोल रहे? बोलो वाला समझ में आ रहा है जी ना? तो W बराबर क्या हो जाएगा? 1 बाई 2 सी इंटू, अब क्यू के जगह पर एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट क्यू है लोअर लिमिट 0 है, तो क्यू के जगह पर अपर लिमिट का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट का स्क्वायर, यानी W इज इक्वल टू 1 बाई 2 सी इंटू क्यू स्क्वायर, यानी बोले तो W इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बटा में 2 सी। यानी क्यू चार्ज देने में क्यू स्क्वायर बटा में 2 सी काम करना पड़ रहा है। और यही कार चालक में ऊर्जा के रूप में जमा हो जाता है। ऊर्जा के रूप बोले तो स्थितिज ऊर्जा के रूप में जमा हो जाता है। यानी यही कारक बन जाएगा ऊर्जा, U बराबर Q स्क्वायर बटा में 2 से।
यही ऊर्जा का फॉर्मूला हो जाएगा। यानी जब किसी चालक पर क्यू आवेश होगा और उसका धारिता सी होगा तो उस चालक के पास जो ऊर्जा होगा क्यू स्क्वायर बटा में टू सी। चाहे तो ये पहला फार्मूला हुआ, इस फार्मूला को और भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। आपको मालूम है कि सी बराबर क्यू बटा में भी होता है, तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा सी भी। इस क्यू बराबर सी भी को उठाइए और इस क्यू के जगह पर रखिए तो यू बराबर क्या हो जाएगा सी भी स्क्वायर है, तो सी स्क्वायर बटम भी स्क्वायर बटम में टू सी, एक सी से एक सी मर गया तो यू बराबर हाफ सी भी स्क्वायर। ये दूसर का फॉर्मूला, ऊर्जा का दूसर का फॉर्मूला हो जाएगा हाफ सी भी स्क्वायर। बोलो रे बालक कोई दिक्कत? ए सर दिक्कत कैसे हो जाएगा, दिक्कत कैसे हो जाएगा, हो भी सकता है। इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर क्यू स्क्वायर बटम टू सी। दो फार्मूला आपको मिल गया, एक क्यू स्क्वायर बटम टू सी, एक हाफ सी वी स्क्वायर। आप चाहे तो एक और फार्मूला बना सकते हैं। इस चीज को आप चाहें देखो, यहाँ पर भी देख लो, थोड़ा सा स्पेस है ये। इस चीज को चाहे तो आप लिख सकते हैं U बराबर हाफ सी वी इंटू वी, लिख सकते हैं वी स्क्वायर को वी इंटू वी। और आपको मालूम है कि सी बराबर क्यू बटा में वी होता है ना जी, सी बराबर क्यू बटा में वी होता है, इसलिए क्यू बराबर क्या हो जाएगा सी वी हो जाएगा। और सी वी यहाँ पर है देखो सी वी, और इस सी वी की जगह पर क्यू हम पुट कर सकते हैं, एकदम पुट कर सकते हैं, तो यू बराबर हाफ क्यू इंटू वी। यानी ऊर्जा का तीसर का फॉर्मूला हो जाएगा। यानी बोले तो जब किसी चालक पर हम आवेश क्यू देते हैं उसका धारिता सी होता है, विभवांतर भी उत्पन्न होता है, तो उस स्थिति में उसके पास ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा क्यू स्क्वायर बटा में टू सी होता है, या बोल सकते हैं हाफ सी वी स्क्वायर होता है या हाफ क्यू भी होता है। ये तीनों फार्मूला से डायरेक्ट क्वेश्चन रहता ही रहता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता दिए, ये एग्जाम में आपका पूछता है डिराइव करने के लिए। दो नंबर का पूछ सकता है, पाँच नंबर का पूछ सकता है, कौन नंबर का पूछ सकता है, तो कर्मन हो गया। तो आप इस चीज़ को नोट कर ले, मैं मिटाऊंगा। चलो रे बालक मिटाता हूँ, नोट कर लिया है बालक, तेज है, नोट कर लिया है। बालक नोट कर लिया है, बालक तेज तरार बच्चा है, तेजू बच्चा है, बालक तेजू है, तेजू। तेजू कौन है, तेजू कौन है जी? तेज प्रताप यादव को लोग प्यार से तेजू बोलते हैं ना। हाँ तेजू भैया, बच्चा लोग को सुनते हैं कहता है तेजू भैया। मिटा रहे हैं, कुछ तो बात है नहीं स्पेशल जो आपसे हम कहें, कुछ स्पेशल बात नहीं है। तो ये हो गया टॉपिक आवेशित चालक का धारिता यानी कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर। अब देखिए बालक, अब हम लोग अगला टॉपिक के तरफ चले, उभयनिष्ठ विभव। सब मीटिंग गया ठीक से ना जी? हाँ। अब हम लोग चलते हैं एक अगला टॉपिक के तरफ, उभयनिष्ठ विभव। उभयनिष्ठ विभव बोले तो बालक, बोले तो कॉमन पोटेंशियल। अब बालक ये सोचना होगा, बालक ये क्या है, कौन चिड़िया का नाम है कॉमन पोटेंशियल? हमने पोटेंशियल सुना, हमने विभव सुना है, लेकिन उभयनिष्ठ विभव क्या है? तो मान लीजिए दो चालक है, मान लीजिए इस पर आवेश Q1 है, इस पर आवेश Q2 है, इसका विभवांतर V1 है, इसका विभवांतर V2 है, इसका धारिता C1 है, इसका धारिता C2 है। जब दोनों को हम एक तार से जोड़ देंगे तो क्या होगा? जिस चालक का ज़्यादा विभव होगा उस चालक से कम विभव वाले चालक में आवेश का प्रवाहन होगा, आवेश का प्रवाहन होगा, लेकिन एक खास समय के बाद आवेश का प्रवाहन बंद हो जाएगा। कब? जब दोनों चालक का विभव बराबर हो जाएगा।
तो आवेश का आना जाना बंद हो जाएगा, वही बराबर विभव को हम लोग उभयनिष्ठ विभव कहते हैं। यानी जब आवेश का स्थानांतरण होता है तो एक खास समय के बाद आवेश का स्थानांतरण रुक जाता है। तो जिस विभव पर आवेश का स्थानांतरण रुक जाता है उस विभव को हम लोग उभयनिष्ठ विभव कहते हैं, उस विभव को हम लोग उभयनिष्ठ विभव कहते हैं। फिर से एक बार सुनिए कि जिस विभव पर आवेश का स्थानांतरण रुक जाता है उस विभव को उभयनिष्ठ विभव कहते हैं। अब इस उभयनिष्ठ विभव का फॉर्मूला क्या होगा, उसी का फॉर्मूला हम लोग निकालने जा रहे हैं ना बालक। तो लो एने ध्यान से तनी देखो तो देखो 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 बच्चा देखो तो। लो हमने माना कि चालक ए है, एगो कोनो चालक हो जोने के नाम ए है, मनी कि कोनो चालक हो जोने के नाम बी हेकर धारिता मान लेनी सी वन, हेकर धारिता मान लेनी सी टू, हेकर विभवान्तर मान लेनी भी वन बा, हेकर विभवान्तर भी टू बा, हेकर अपन मान लो वैस क्यू वन देवल गई बा, हेकर अपन वैस क्यू टू। आ दोनों के क्या किए कि एगो हम पतर तार से तांबा के तार से जोड़ दिए। अगर विभवान्तर भी वन ज़्यादा होगा भी टू से तो क्या होगा, हेकरा में से आवेश हो में जाने लगेगा, क्यू वन में से आवेश क्यू टू में जाने लगेगा, आवेश इधर से इधर जाने लगेगा। जब Q1 से Q2 में आवेश, जब चालक A से B में आवेश जाने लगेगा तो ये Q1 घटने लगेगा, चालक A का आवेश का मान कम होने लगेगा, चालक B का आवेश का मान बढ़ने लगेगा। एगो घटे लगल ऐसे एगो बढ़े लगल, बढ़े लगल बढ़े लगल, जब दोनों बराबर हुई तो क्या हुई, जैसे ही दोनों का विभवान्तर बराबर होगा आवेश का आना जाना बंद हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि जैसा ही ये चालक A था और ये B, मान लीजिए हेकर आवेश घट के घट के घट के घट के Q1 डैश हो जाएगा, आ हेकरा से में से हे में जाता था हेकर बढ़त 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 Q2 डैश हो जाए। अब आवेश का आना जाना एक समय के बाद बंद हो जाएगा, कब, जब दोनों का विभव बराबर हो जाता, तब मैंने भी वन था, अगर यो भी हो जाए यो भी हो जाए तो दोनों में आवेश का आवाजाही बंद हो जाएगा। का बोले समझ में आया, मान लीजिए दो चालक है, ये चालक के पास आवेश Q1 है, धारिता C1 है, विभवान्तर V1 है, इस चालक के पास आवेश Q2 है, धारिता C2 है, विभवान्तर V2 है। जैसे ही हम दोनों को एक तार से जोड़ेंगे, अगर इसका विभवान्तर ज़्यादा है तो इधर से आवेश निकल के इधर जाने लगेगा, लेकिन जैसे ही इसका विभव और इसका विभव बराबर होगा आवेश का आना जाना रुक जाएगा, उसी विभव को उभयनिष्ठ विभव बोलते हैं। अब इसमें से आवेश इसमें जा रहा था तो इसका आवेश कम होगा, और इसमें आवेश आ रहा था तो इसका आवेश बढ़ेगा, समझ रहे हैं ना। तो हेकर आवेश कम हो गई, बढ़ हो गई, तो हमको निकालना है उभयनिष्ठ विभव। तो आपको मालूम है हम निकालने के लिए करते ये है कि जब आवेश के स्थानांतरण नहीं हो रहा है, बंटवारा नहीं हो रहा है, शेयरिंग नहीं हो रहा है, उसके पहले सिस्टम के पास कुल कितना आवेश है, यानी स्थानांतरण के पहले निकाय का कुल आवेश। चल बालक देखो, निकाय के पहले कुल कितना आवेश बा, अगर बात कर जाओ निकाय के पहले कुल आवेश के, तो हेकरा पास में Q1 है और हेकरा पास में Q2 है, यानी कुल आवेश Q1 प्लस Q2 है। अगर बात करें Q1 का वैल्यू का, तो Q1 इज इक्वल टू क्या होगा, शायद इधर दिखाई दे रहा होगा कि ना, दिखाई दे रहा होगा, देखा नहीं रहो। अगर बात करें हम Q1 के, तो तुमको मालूम है कि C बराबर फार्मूला होता है Q बटा में भी, तो C1 बराबर Q1 बटा में भी वन, तो Q1 बराबर C1 इंटू भी वन, यानी Q1 का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, C1 इंटू भी वन। कोनो दिक्कत, अरे कैसे दिक्कत होगा यार, C बराबर Q बटा में भी फार्मूला होता है, तो C1 बराबर Q1 बटा में भी वन, तो Q1 बराबर C1 इंटू भी वन, यानी Q1 का वैल्यू इतना। अगर बात करें Q2 का वैल्यू, तो Q2 का वैल्यू भी वैसा ही C2 इंटू भी टू, समझ रहा है बालक तेज है। तो Q1 का वैल्यू C1 भी वन प्लस Q2 का वैल्यू C2 वैल्यू, कोई दिक्कत, C2 भी टू। यानी स्थानांतरण के पहले हई निकाय के पास कुल हतना आवेश था,
अब आवेश के एने ओने आवाजाही हो गया, स्थानांतरण हो गया, तो स्थानांतरण के बाद निकाय का कुल आवेश, माने आवाजाही हो गया ओकरा बाद इस निकाय के पास कुल कितना आवेश है, तो देख लो है Q1 से घट के Q1 डैश हो जा रहा है और है Q2 से बढ़ के Q2 डैश हो जा रहा है, यानी Q1 डैश प्लस Q2 डैश। अगर बात करें Q1 डैश के तो क्या हो जाएगा, C बराबर है कर धारिता C1 है, एक धारिता C2 है, तो Q1 डैश किसके बराबर होगा, C बराबर Q बटा में भी, तो Q बराबर C भी, तो Q1 डैश बराबर धारिता C1 विभवांतर भी, C1 भी हो जाएगा। अगर Q2 डैश का बात करें तो C2 भी हो जाएगा, यानी Q1 डैश बोले तो C1 भी और Q2 डैश बोले तो C2 भी। निकाय के पहले कुल आवेश हतना, निकाय के बाद कुल आवेश हतना। अगर इस चीज़ को लिखना चाहे तो भी को कॉमन ले लेंगे, C1 प्लस C2। तो आवेश का संरक्षण सिद्धांत से आपको मालूम है, आवेश का संरक्षण नियम से क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़े हैं। संरक्षण नियम क्या कहता है कि किसी भी निकाय का कुल आवेश संरक्षित रहता है, किसी भी निकाय का कुल आवेश संरक्षित रहता है, अर्थात किसी भी निकाय का कुल आवेश नियत रहता है। मतलब ये कि शेयरिंग के पहले जितना आवेश होगा सिस्टम के बाद, उतना ही शेयरिंग के बाद भी उस सिस्टम के पास आवेश होगा। शेयरिंग के पहले सिस्टम के पास जितना आवेश होगा, शेयरिंग के बाद भी सिस्टम के पास उतना ही आवेश होगा। तो चलो बालक देखो, शेयरिंग के पहले सिस्टम के पास कुल कितना आवेश है, यानी स्थानांतरण के पहले निकाय के पास कुल कितना आवेश है, सी वन वी वन प्लस सी टू वी टू बराबर, स्थानांतरण के बाद निकाय के पास कुल कितना आवेश है, भी इंटू सी वन प्लस सी टू। इसी भी को तो बोलते हैं उभयनिष्ठ विभव, तो भी बराबर क्या हो जाएगा, है सब नीचे आ जाएगा है ऊपर, यानी सी वन वी वन प्लस सी टू वी टू आ बाटा में सी वन प्लस सी टू, कोनो दिक्कत, यानी यही भी कॉमन है, यानी बोले तो उभयनिष्ठ विभव। उभयनिष्ठ विभव है, समझ रहे हैं, यानी उभयनिष्ठ विभव का फॉर्मूला सी वन वी वन प्लस सी टू वी टू बटा में सी वन प्लस सी टू। उभयनिष्ठ विभव भी बराबर सी वन सी टू, सी वन वी वन प्लस सी वन वी वन प्लस सी टू वी टू बटा में सी वन प्लस सी टू। आप चाहे तो इसको एक और फॉर्मूला की तरह से लिख सकते हैं, कैसे, तो सी वन वी वन को क्या बोल रहे हैं हम लोग, देखो सी वन वी वन क्यू वन के बराबर है और सी टू वी टू क्यू टू के बराबर है, तो सी वन वी वन की जगह पर क्यू वन प्लस सी टू वी टू की जगह पर क्यू टू और बटा में सी वन प्लस सी टू, यानी ये दोनों फार्मूला उभयनिष्ठ विभव का है। इसको आप अपने खोपड़िया में डाल लें कि भी जो होता है सी वन वी वन प्लस सी टू वी टू बटा में सी वन प्लस सी टू और भी जो होता है क्यू वन क्यू टू, क्यू वन प्लस क्यू टू बटा में सी वन प्लस सी टू होता है, कोनो दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो हमके ये मालूम चला कि जब एक चालक और दूसरा चालक को पतला तार से जोड़ते हैं और आवेश का बंटवारा होता है तो एक विभव पर आवेश आना जाना बंद कर देता है, तो कितना विभव पड़ता है, इतना विभव पर आवेश आना जाना बंद कर देता है। कोई दिक्कत नहीं बालक, नहीं कोई दिक्कत नहीं, इस विभव पर आवेश एक चालक से दूसरे चालक में आना जाना बंद कर देगा, ये बात हो गया। अब देखो, अब आपसे यहाँ पर कोई ये भी पूछ सकता है कि बताइए आवेश का स्थानांतरण कितना हुआ, जैसे कि जब इस चालक ए और बी को तार से कनेक्ट किए तो चालक ए से बी में कुछ चार्ज गया ना जी, तो बताइए कितना चार्ज गया, यानी आवेश का स्थानांतरण। इस चीज़ को हम यहीं पर लिख चाहे तो डील कर सकते हैं, देखिए, यानी एक यहाँ से अगला टॉपिक हो जाएगा आवेश का स्थानांतरण, ठीक है। चलो बाबू देखने, मान लो कहे के मतलब पहले मेरे पास 50 रुपया था, हमारा साथ एक आदमी आके चल दिया घूमने, कहा कि भाई तनी हमारा समोसा खिया दे, तो हम का कर दिए, कहे कि खियाएंगे नहीं, ले ले है 20 रुपया, तू हमारा साथ चल, कॉन्टेक्ट में आया
हमारे पास पैसा था तो हमारे से ले लिया 20 रुपया, हमारे पास 50 गो था, 20 रुपये हम उसको दे दिए। तो अवेश का कितना स्थानांतरण हुआ कहो, अवेश कितना गई? पहले हमारे पास था 50 रुपया आ ओकरा के हम दे दिए, तो पहले 50 रुपया था, अब बचा हमारे पास 30 रुपया, तो 50 में से 30 को घटा देंगे तो नहीं मालूम चल जाएगा कितना स्थानांतरण हुआ है, आवाजाही हुआ है, 20 रुपये का आवाजाही हुआ है। वैसे ही चालक के पहले अवेश क्यूवन है, आ बाद में अटवारा बटवारा कोयला के बाद एक पास बाँच जाता कितना क्यूवन डैश, तो कितना स्थानांतरण हुआ क्यूवन में से क्यूवन डैश को घटा देंगे तो नहीं मालूम चल जाएगा, एकदम मालूम चल जाएगा, ना मालूम चल जाएगा, चल जाएगा। तो पहले अवेश के पास क्यूवन है, जब शेयरिंग हो गया तो एक पास चार्ज बच जा रहा है क्यूवन डैश, तो क्यूवन में से क्यूवन डैश को घटा देंगे तो अवेश का स्थानांतरण मालूम चल जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, घटा देंगे तो चल जाएगा। तो चलते हैं घटाने हम लोग, क्यू में से क्यूवन डैश को घटाते हैं, थोड़ा सा इसको ऐसे करना पड़ेगा, चलो घटाने चलते हैं बालक। लो अगर हम स्थानांतरण आवेश को डेल्टा क्यू से लिखते हैं तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, पहले आवेश क्यू वन है में से घटाना पड़ेगा क्यू वन डैश को, तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू क्यू वन का वैल्यू कितना है देख लो उधर, सी वन भी वन माइनस क्यू वन डैश का वैल्यू कितना है, C1 भी, तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू C1 भी 1 में से घटाइए C1, और भी बोले तो भी का वैल्यू क्या होता है, कॉमन पोटेंशियल, देखो इधर फॉर्मूला निकाले हैं, C1 भी 1 प्लस C2 भी 2 बटा में C1 प्लस C2 और डेल्टा क्यू बराबर C1 भी 1 माइनस है C1 से गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा C1 स्क्वायर V1 प्लस C1 से गुना कीजिए C1 C2 V2 और बाटा में क्या हो जाएगा C1 प्लस C2। कोनो दिक्कत नहीं है, करा नीचे कुछ नहीं है, तो एक तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू LCM लीजिए कहता ना, तो C1 प्लस C2 ले लिए 1 से है इतना से गुना हो, जब C1 से गुना करे चलो तो क्या हो जाए C1 स्क्वायर V1 प्लस C2 से गुना करने चलिए C1 C2 V1 माइनस है तो ऐसा ही कैंसिल मार दी तो क्या बस जाए C1 स्क्वायर V1 प्लस C1 C2 V2। कोनो दिक्कत ना, तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू C1 स्क्वायर V1 प्लस C1 C2 V1 माइनस C1 का स्क्वायर V1 माइनस वा को अंदर ले जाइए फिर आइयो माइनस C1 C2 V2 आई बाटा में क्या हो जाएगा तो C1 प्लस C2। कोनो दिक्कत ना है, C1 स्क्वायर V1 कैंसिल, तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू बच जाएगा C1 C2 V1 माइनस C1 C2 V2 आ बाटा में C1 प्लस C2। कोनो दिक्कत ना बालक, तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू C1 C2 को कॉमन ले लिए तो C1 C2 × V1 − V2 आ बाटा में C1 प्लस C2 है। ये जवन हो तहार आवेश के स्थानांतरण के सूत्र हो जाए कि ये गो ट्रांसफर के बाद एक चालक से दूसरा चालक में कितना आवेश गया तो हतना गया C1 C2 / C1 + C2 × V1 − V2 यह स्थानांतरण आवेश है, समझ लो। तो यही जो है जब दो चालक को एक दूसरे को जोड़ते हैं तार से तो हतना चार्ज का शेयरिंग होता है। उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डील करेंगे तो मिटाता हूं, नोट कर लीजिए, कटिएगा मत, नोट कर लीजिए, काट लीजिएगा तो काम है। अब एक आगे हम लोग जा रहे हैं डील करने ऊर्जा का हानि, लॉस ऑफ एनर्जी।
तो बालक हमने क्या क्या देखा, हमने यही देखा कि अगर कोई आवेशित चालक है तो उसके पास ऊर्जा होगी क्यू स्क्वायर बटा में टू सी हाफ सी वी स्क्वायर हाफ क्यू वी। अगर एक चालक और दूसरे चालक को तार से जोड़ते हैं तो ऊर्जा का आना जाना होगा, आवेश का आना जाना होगा और एक खास विभव पर आवेश का आना जाना बंद हो जाएगा। उस विभव को हम लोग उभयनिष्ठ विभव कहते हैं और वह उभयनिष्ठ विभव भी बराबर सी वन प्लस सी टू, सी वन सी टू बटा में सी वन सी टू, सॉरी सी वन वी वन प्लस सी टू वी टू बटा में सी वन प्लस सी टू के बराबर होता है। इसके बाद में देखा कि आवेश का स्थानांतरण जो है, आवेश का स्थानांतरण जो होता है डेल्टा क्यू, वह बराबर होता है सी वन सी टू बटा में सी वन प्लस सी टू इंटू वी वन माइनस वी टू के ना। हाँ तनि बोडवा अच्छा से मीटा रहता है तो तनि बढ़िया लगता है, उजर उजर रहता है। चलो बालक, चलिए अभी जो हम लोग टॉपिक डील करने जा रहे हैं वो है ऊर्जा का हानि, ऊर्जा का हानि यानी लॉस ऑफ एनर्जी। देखिए क्या बोलता है, जिसे कहता है कि मान लीजिए दो चालक है और इस पर भी कुछ आवेश है, इसका कुछ धारिता है इसका कुछ विभवांतर है, इस पर भी कुछ आवेश है इसका कुछ धारिता है इसका कुछ विभवांतर है, अगर हम दोनों को तार से कनेक्ट कर देंगे तो ज़्यादा विभवांतर वाले से कम विभवांतर वाले में आवेश जाने लगेगा, जब हे में से आवेश निकलेगा तो इसका आवेश कम होगा, यानी जब आवेश कम होगा तो ऊर्जा भी कम होगा, क्योंकि ऊर्जा का फॉर्मूला होता है क्यू स्क्वायर बटा में टू सी, जब क्यू कम तो यू भी कम, यानी जब इसका ऊर्जा घटेगा सॉरी आवेश घटेगा तो ऊर्जा भी घटेगा और इसका आवेश घटेगा बढ़ेगा तो ऊर्जा भी बढ़ेगा। यानी कहने का मतलब है कि जब दो चालक को आवेशित चालक को तार से हम जोड़ते हैं तो ऊर्जा का भी ट्रांसफर होता है, और ऊर्जा का जब ट्रांसफर होता है तो क्या इस केस में ऊर्जा का हानि होता है, क्या ऊर्जा का हानि होता है, क्योंकि ऊर्जा को ना तो आप बना सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, ऊर्जा तो ना गेन होता है ना लॉस होता है। तो जवाब है कि हाँ ऊर्जा का हानि होता है। मान लीजिए हमारे मेरे बात को पहले समझिएगा, यानी अगर इसके पास 10 जूल ऊर्जा है इसके पास 5 जूल ऊर्जा है तो पूरा निकाय के पास कुल ऊर्जा कितना है 15 जूल। अगर हम तार से जोड़ दिए तो इसके पास ज़्यादा ऊर्जा है इसके पास कम ऊर्जा है तो ज़्यादा ऊर्जा में से कम ऊर्जा की तरफ जाने लगेगा ऊर्जा, जब ऊर्जा हेकर घटेगा हेकर बढ़ेगा, और बाद में भी जब कैलकुलेट किया जाएगा तो इस निकाय के पास 15 जूल ऊर्जा ही होना चाहिए, लेकिन देखा गया कि कम हो गया, कुछ ऊर्जा लॉस कर जाता है, तो कहाँ करता है कितना करता है, तो देखा गया कि कुछ ऊर्जा जब तार से जोड़ेंगे ऊर्जा इधर से उधर जाएगा आवेश जाएगा तो छुएंगे तो तार गर्म हो जाता है, तो कहा गया कि कुछ ऊर्जा हीट लाइट और साउंड के फॉर्म में लॉस हो जाता है, तो वो ऊर्जा कितना लॉस होता है यही हमको ज्ञात करना है। यानी जब एक चालक से दूसरे चालक को तार से कनेक्ट किया जाता है तो उस केस में ऊर्जा का भी ट्रांसफर होता है और ऊर्जा का हानि भी होता है, लाइट के फॉर्म में, हीट के फॉर्म में, साउंड के फॉर्म में। ओके, तो वही हम लोग अब हम लोग वही लॉस निकालने जा रहे हैं, तो आइए बने रहिए आप 20 मिनट 25 मिनट और आप बने रहिए। तो लो बालक, हम मान रहे हैं कि ये कोई एक चालक है जिसका नाम है ए और ये कोई चालक है जिसका नाम है बी, इसका धारिता है सी वन इसका धारिता है सी टू, और दोनों को हम कहा कि ये कि तार से कनेक्ट कर दिए, इस पर आवेश है इसका विभवांतर है वी वन इसका विभवांतर है वी टू, दोनों को हम एक तार से कनेक्ट कर दिए, जैसे ही तार से कनेक्ट किए आवेश का आना जाना हुआ ऊर्जा का भी आना जाना हुआ, लेकिन एक समय के बाद
ऊर्जा का आना जाना बंद हो जाएगा। कब? इसका धारिता C1 ही रह जाएगा, इसका धारिता C2 ही होगा, लेकिन जैसे ही दोनों का विभवांतर बराबर होगा, यानी ये भी, तो ऊर्जा का आना जाना बंद हो जाएगा। तो हमको निकालना है लॉस ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का हानि। तो कैसे निकलेगा भाई? तो इस निकाय के पास जब आवेश का स्थानांतरण नहीं हो रहा है, कितना ऊर्जा है इस निकाय के पास पहले निकाल लेते हैं, यानी स्थानांतरण के पहले इस निकाय के पास कितना ऊर्जा है हम लोग निकाल लेते हैं पहले, और फिर स्थानांतरण के बाद निकाय के पास कितना ऊर्जा है निकाल लेते हैं, और पहले वाला ऊर्जा में से बाद में वाला ऊर्जा को घटा देंगे तो मालूम चल जाएगा कि ऊर्जा का कितना हानि हुआ। नजी कजी, पहले दो आदमी मिला के हम लोग के पास 500 रुपया है, और बाद में पैसा लेन देन हुआ कि वही में गोटी गलती कर दिया, का 5 रुपया बगली में हमने रख लिया, तो मालूम करे पड़ी कितना लॉस हुआ। दो आदमी के मिला के 500 रुपया है हम लोग के पास, अभी हम देखा रहे हैं कि हमारे पास 200 रुपया है, वो अगला दिखा रहे हैं कि 300 रुपया है, तो कुल इस निकाय के पास कितना ऊर्जा है? 500 रुपया है। और बगलवा में वाला चाहे हम ही तनी सा तेज है, 5 रुपया है सीखा है बगली में डाल लिए, आ फिर हम लोग मिला के गिने, कुछ उसको दे दिए कुछ हमको, कि कितना है हम लोग के पास पैसा, तो देखे कि अरे यार 495 वहीं गो है, तो कितना पैसा कहाँ नहीं हुआ। तो लेन देन के पहले 500 था, लेन देन के बाद 495 वहीं को दिखाई दे रहा है, तो पहले वाला में से बाद में वाला के घटा देंगे, 500 में से 495 को घटा देंगे तो 5 आएगा, यानी 5 को हानि हो गया, कोनो बगली में डाल लिया है। तो वही काम करेंगे, स्थानांतरण के पहले निकाय के पास कुल ऊर्जा निकालते हैं, फिर स्थानांतरण के बाद निकाय के पास कुल ऊर्जा निकालते हैं, पहले वाला में से बाद वाला को घटाएंगे, धड़ाक से ना आंसर पाएंगे। तो चलो अगर बात करें पहला चालक के पास ऊर्जा कितना है, हवाई चालकवा के पास अभी, तो यू बराबर हाफ सी वी स्क्वायर फार्मूला से हम लोग चलते हैं। कौन फार्मूला से? यू बराबर हाफ सी वी स्क्वायर से, ठीक। अगर इसके पास ऊर्जा का बात करें तो कितना होगा? 1/2 धारिता C1 विभवांतर V1, तो हाफ C1 V1 स्क्वायर। अगर इसके पास बात करें तो हाफ C2 V2 स्क्वायर नजी है। चल बालक, तो लिखते हैं यहाँ, आ रहा है ना भाई सब? स्थानांतरण के पहले निकाय का कुल ऊर्जा पहले देख लेने दोबारा है कि ना, कहे कि कैलकुलेशन बड़ा लंबा जाएगा, तनी तनी लग रहा है कटिए रहा है, कह दो स्थानांतरण पहले निकाय का कुल ऊर्जा। चलो बालक, अगर हम स्थानांतरण के पहले निकाय के कुल ऊर्जा को हम E1 से लिखते हैं, कैसे? E1 से। तो E1 बराबर क्या होगा? पहला के पास ऊर्जा है हाफ C1 V1 का स्क्वायर, दूसरा के पास है हाफ C2 V2 के स्क्वायर ना हो। तो E1 बराबर, अगर बालक तनी सा तेज होगा तो हाफ को ये बाहरी निकाल लेगा, 1/2 C1 V1 के स्क्वायर प्लस C2 V2 के स्क्वायर, समझ रहे हैं? यानी स्थानांतरण के पहले निकाय के पास कुल ऊर्जा हतना है। अब है ना बालक देखेगा, हाई फार्मूला है, फार्मूला है, मिटा देते हैं। स्थानांतरण के बाद निकाय का कुल ऊर्जा कवलक, स्थानांतरण के बाद निकाय के कुल ऊर्जा देखते हैं। देखो यदि स्थानांतरण हो गया तब इस सिस्टम के पास कुल कितना ऊर्जा, अगर हेकरा भी बात करें तो फार्मूला लगाइए हाफ सी वी स्क्वायर, तो हेकरा भी ऊर्जा है 1/2 धारिता C1 विभवांतर V स्क्वायर, हेकरा भी बात कीजिए तो हाफ धारिता C2 V स्क्वायर,
यानी स्थानांतरण के बाद के ऊर्जा को अगर हम E2 से लिखे तो ये बराबर है हाफ C1 V स्क्वायर प्लस हाफ C2 V स्क्वायर। आप चाहे अगर बालक थोड़ा सा तेज होगा तो हाफ V स्क्वायर को एज ए कॉमन निकाल लेगा, यानी E2 बोले तो एक बटा में दो, एक बटा में दो है हूँ मैं है वी स्क्वायर है हूँ मैं है हूँ मैं है, तो एक बटा में दो वी स्क्वायर को बाहर ही निकाल लेगा तो बच जाएगा क्या बच जाएगा सी वन प्लस सी टू। यानी स्थानांतरण के पास पहले निकाय के पास कुल ऊर्जा इतना था, स्थानांतरण के बाद निकाय का कुल ऊर्जा इतना है, आपको निकालना क्या है, इसलिए ऊर्जा का हानि 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 रे बालक हानि, ऊर्जा का हानि कितना होगा। अगर ऊर्जा के हानि को हम डेल्टा ई से लिखते हैं तो डेल्टा ई इज इक्वल टू पहले ऊर्जा था ई वन में से घटाना पड़ेगा बाद में के ऊर्जा ई टू, तो डेल्टा ई बराबर बालक ई वन देखो देखो है ना कितना है ई वन हाफ सी वन वी वन स्क्वायर प्लस सी टू वी टू स्क्वायर हाफ सी वन बड़ के ब्रैकेट लिखे हैं तो लिखो ब्रैकेट कौनो रखो ना सी वन वी वन स्क्वायर प्लस सी टू वी टू स्क्वायर में से घटा देना है केकरा ई टू को कहने हैं तो हाफ भी स्क्वायर हटा वो हाफ भी स्क्वायर इंटू सी वन प्लस सी टू को ना हो घटा देना है चाहे ब्रैकेट है चाहे पूरा एगो है जाए से लगा देते हैं बड़की। अब देखिए आप चाहे तो भी के वैल्यू को पुट कर सकते हैं, शायद दिखाई दे रहा होगा हम उम्मीद कर रहे हैं लिखने के बाद अब जाएंगे होने हाफ चाहे अब मिटाते हैं होने चाहे ना ना अगला बार मिटाएंगे डेल्टा ई बराबर हाफ वही ब्रैकेटवा हम ही जगह दे के गलती कर दिए हैं छोट के ब्रैकेट देना चाहिए था ना ताकि बच्चा लोग कन्फ्यूज ही आए ना क्या कीजिएगा जो माइंड में आ जाता है ब्रैकेट चल जाता है ठीक है ब्रैकेटवा दे देने से मिस्टेक हो जाता है कौ गो एक नियन ब्रैकेट डालिएगा जी। अब देखो अब हाफ सी वन भी वन का स्क्वायर प्लस सी टू भी टू का स्क्वायर में से घटाना है हाफ भी स्क्वायर भी बोले तो कितना भी का फॉर्मूला होता है भी कॉमन पोटेंशियल है सी वन भी वन प्लस सी टू भी टू बटा में सी वन प्लस सी टू सी वन भी वन प्लस सी टू भी टू बटा में सी वन प्लस सी टू का होल स्क्वायर इंटू सी वन प्लस सी टू कोई दिक्कत नहीं। अब मैं क्या करता हूँ कि इन सारे चीज़ों को मिटाता हूँ, देख ले रहा हूँ आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं, कहे कि आज हम साइन नहीं दिए हैं इतना तक हम पहुँचे हैं, किसी को दिक्कत है तो अब दिक्कत है तो कैसे पूछेगा, दिक्कत है तो पूछने का कोई उपाय नहीं है, एक बार दो बार तीन बार चार बार देखिएगा। दिक्कत है तो कौन जब उपाय नहीं है व्हाट्सएप व्हाट्सएप है पूछ क्या व्हाट्सएप 91 13 13 78 29 सबको मालूम होना चाहिए। अब देखो अब तुम इस चीज को हम नोट करते हैं, अब यहाँ से देखो हाफ सी वन भी वन स्क्वायर प्लस सी टू भी टू स्क्वायर माइनस हाफ है, और इस चीज़ को अगर हम चाहे तो एगो को ऊपर एगो को नीचे लिख सकते हैं सी वन भी वन प्लस सी टू भी टू का होल स्क्वायर है बटा में सी वन प्लस सी टू का होल स्क्वायर, यानी बोले तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि डेल्टा ई जो होता है देखो डेल्टा ई जो होता है वो बराबर होता है हाफ सी वन भी वन का स्क्वायर भाई बंद था ना जी हाफ सी वन भी वन का स्क्वायर प्लस सी टू भी टू का स्क्वायर माइनस हाफ लाइट कट गया अब हम क्या करें इन्वर्टर चालू करने नहीं आता है
अरे यार, ओहो, तो कंडक्टर में कुछ प्रॉब्लम आने के चलते करंट चला गया था, लेकिन अब फिर से करंट लाया गया है। देखिए इधर, देखिए हम लोग कहाँ थे। डेल्टा ई हाफ सी वन वी वन स्क्वायर प्लस सी टू वी टू स्क्वायर माइनस हाफ। इस चीज को हम चाहे तो सी वन वी वन प्लस सी टू वी टू का होल स्क्वायर बटा में सी वन प्लस सी टू का होल स्क्वायर, यानी बोले तो इस चीज को लिख सकते हैं सी वन वी वन प्लस सी टू वी टू का होल स्क्वायर बटा में सी वन प्लस सी टू का होल स्क्वायर ना जी, इन टू वो क्या है सी वन प्लस सी टू। यहां से आप देख सकते हैं कि एक सी वन प्लस सी टू से एक सी वन प्लस सी टू कट जाएगा, एक बच जाएगा ना जी, और एक बचेगा तो उसमें हम क्या करते हैं, लिखते हैं डेल्टा ई इज इक्वल टू, देखिए वन बाई टू को देखिए, तो वन बाई टू यहां भी है, वन बाई टू यहां भी है, कॉमन नहीं ले सकते हैं, ले सकते हैं सर, तो वन बाई टू को हमने क्या किया कॉमन ले लिया। अब यहां पर बच जाएगा सी वन वी वन का स्क्वायर प्लस सी टू वी टू का स्क्वायर, ब्रैकेट बंद, माइनस, अभी तो वन बाई टू बाहर चल गया है, सी वन वी वन प्लस सी टू वी टू का होल स्क्वायर बटा में सी वन प्लस सी टू, क्योंकि एक से एक कट गया था, कोई दिक्कत नहीं रे बालक। इसको मिटाता हूँ भाई, नीचे वाला को मिटाता हूँ, अब देखो डेल्टा ई इज इक्वल टू वन बाई टू इन टू, अब देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो वन है, हम चाहे तो एलसीएम ले सकते हैं, वन और सी वन प्लस सी टू का एलसीएम क्या होगा सी वन प्लस सी टू, अब वन से नहीं जाएगा तो सी वन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें लो मल्टीप्लाई करते हैं क्या होगा सी वन, सी वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो सी वन का स्क्वायर वी वन का स्क्वायर प्लस, फिर सी वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो सी वन सी टू वी टू का स्क्वायर प्लस, अब सी टू से मल्टीप्लाई करते हैं, सी टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो सी वन सी टू वी वन का स्क्वायर, फिर सी टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो सी टू का स्क्वायर वी टू का स्क्वायर माइनस, अब देखो सी वन प्लस सी टू से कैंसिल हो जाएगा तो सी वन वी वन प्लस सी टू वी टू का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, हम चाहे तो अब इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ सकते हैं। डेल्टा ई इज इक्वल टू वन बाई टू कॉमन लिए थे सी वन स्क्वायर वी वन स्क्वायर प्लस सी वन सी टू वी टू का स्क्वायर प्लस सी वन सी टू वी वन का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस, अब इसको हम लोग ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ रहे हैं तो ए स्क्वायर यानी सी वन स्क्वायर वी वन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी सी टू स्क्वायर वी टू स्क्वायर प्लस टू ए बी यानी सी वन वी वन सी टू वी टू, कोई दिक्कत नहीं सर, आपन बोल देला आपन को कोई दिक्कत नहीं छे, बट्टा में सी वन प्लस सी टू है, माइनस जब अंदर जाएगा तो सबन के चेंज साइन को चेंज कर देगा, इसलिए ब्रैकेट हटा रहे हैं और माइनस को अंदर ले जा रहे हैं तो सबन के साइन क्या करा चेंज, साइन चेंज। अब बालक देखो सी वन स्क्वायर वी वन स्क्वायर और सी वन स्क्वायर वी वन स्क्वायर, एक माइनस और एक प्लस कैंसिल, सी टू स्क्वायर वी टू स्क्वायर सी टू स्क्वायर वी टू स्क्वायर कैंसिल ना, तो बच जाएगा सी वन सी टू वी टू स्क्वायर प्लस सी वन सी टू वी वन का स्क्वायर प्लस टू सी वन सी टू टू सी वन वी वन सी टू वी टू बटा में सी वन प्लस सी टू, नीचे दिखाई नहीं देगा इसलिए मिटा रहा हूँ।
मिटा रहा हूँ, नोट करते चल रहा है बच्चा, बच्चा नोट करते चलेगा, सब कुछ कॉपी में लिखना चाहिए। क्लासवा खुली कि सब कॉपियों में हम चेक करेंगे कौन कौन लिखा है कौन कौन ना पढ़ा है। खाली खुल्ला का देर है। डेल्टा इज इक्वल टू, देखो अब एक बट्टा में दो, एक बट्टा में दो बस जाएगा सी वन सी टू भी टू का स्क्वायर प्लस सी वन सी टू भी वन का स्क्वायर माइनस टू सी वन, तनी सजा कर लिख देंगे तो बढ़िया लगेगा, सी वन सी टू भी वन भी टू अब बाटा में सी वन प्लस सी टू। कोनो दिक्कत ना, तो जब उन्हें लिख लिया तो हैकरा मिटा देते हैं और बस पहुंच गए हैं आंसर, आंसर के पास हम लोग पहुंच गए हैं। बोले ना कि एक घंटा कम से कम आपको वेट करना पड़ेगा, एक घंटा एक मिनट का वीडियो होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा, हम जानते हैं कितना देर में कंप्लीट होगा। तो डेल्टा इज इक्वल टू वन बाई टू। अब आप थोड़ा सा देखो तो सी वन सी टू इधर भी है, सी वन सी टू इधर भी है, सी वन सी टू इधर भी है, कॉमन निकालते हैं हाफ सी वन सी टू, जब बाहर निकल गया तो क्या बच जाएगा भी टू का स्क्वायर प्लस भी वन का स्क्वायर माइनस टू भी वन भी टू अब बटा में सी वन प्लस सी टू। कोनो दिक्कत, अब आपको याद होना चाहिए, देखिए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, यानी ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर हम तोड़ सकते हैं। तो डेल्टा ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वन बाई टू सी वन सी टू, सी वन प्लस सी टू को अगर हम ब्रैकेट से बाहर निकालते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा सी वन प्लस सी टू इन टू भी वन बड़ा था पहला ही कहे थे तो इसलिए भी वन माइनस भी टू का होल स्क्वायर, भी वन माइनस भी टू का होल स्क्वायर किसी भी केस में हो, जो बड़ा हो उसमें से घटा देंगे भी वन माइनस भी टू का होल स्क्वायर। तो डेल्टा ई इज इक्वल टू हाफ सी वन सी टू बटा में सी वन प्लस सी टू भी वन माइनस भी टू का होल स्क्वायर, यही ऊर्जा का लॉस हो गया, यह ऊर्जा का हानि है। आप चीज़ों को नोट करें, यही ऊर्जा का हानि है। आपको मैं समझा रहा हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ इसको और बेहतर तरीके से। नोट कर लिए, चलिए कहने का मतलब है कि इसमें क्वेश्चन ये पांच नंबर का गारंटी पूछेगा, क्योंकि दो साल से नहीं पूछा है, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में एकदम पूछेगा, लिख के ले लीजिए पूछेगा एग्जाम, मैंने लिख के कहा इतना कॉन्फिडेंस नहीं है लेकिन पूछेगा, मैक्सिमम चांसेस हैं 70% चांस है 80% कि भाई क्वेश्चन यही पूछेगा कि साबित कीजिए कि जब आवेश का स्थानांतरण होता है तो ऊर्जा का हानि होता है, तो आप ऐसा ही साबित करेंगे या लास्ट में लिखेंगे कि हाँ ऊर्जा का हानि इतना होता है और यह किस रूप में होता है, तो ऊर्जा यह ऊर्जा आवेश का स्थानांतरण समय प्रकाश आवाज ध्वनि तथा उष्मा के रूप में हानि हो जाता है, यही बात लिखेंगे। समझे कि जब एक चालक से दूसरे चालक को पतले तांबे के तार से जोड़ा जाता है तो उस स्थिति में ऊर्जा का हानि डेल्टा ई बराबर हाफ सी वन सी टू बटा में सी वन प्लस सी टू इंटू भी वन माइनस भी टू का होल स्क्वायर ध्वनि प्रकाश तथा उष्मा के रूप में हानि हो जाता है। यही रीजन है कि जिस तार से करंट जाता है और अधिक देर तक चला जाता है तो आप छुएंगे तो गर्म हो जाता है न जी, गर्म लगता है, इसका मतलब क्या, कुछ ऊर्जा लॉस कर रहा है हीट के फॉर्म में। कभी कभी क्रैकिंग का आवाज आता है, इसका मतलब साउंड के फॉर्म में भी एनर्जी लॉस कर रहा है ना, अब बाकी जाके होने आग लग जाएगा तो लाइटों के फॉर्म में लॉस कर देगा। तो यही हम लोगों ने पढ़ा और इस लेक्चर में कैपेसिटी का टोटल लेक्चर, इस लेक्चर तक कैपेसिटी का टोटल थ्योरी हो गया। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग कैपेसिटर का बात करेंगे, सॉरी इसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे उसके बाद में कैपेसिटर का बात करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसी लेक्चर में एक बार जितना भी चीज़ें पढ़ाए हैं आपको रिकैप करवा दें, रिविजन करवा दें। देखिए दो से चार मिनट में मैं आपको बता देता हूँ।
देखिए हमने धारिता में पढ़ा कि किसी चालक पर, किसी चालक के धारिता से आप क्या समझते हैं, तो किसी चालक के धारिता का अर्थ है कि वह चालक का वह योग्यता जिससे वह आवेश को अपने पास जमा करके रखता है। सी बराबर फार्मूला होता है धारिता का, इधर लिखते हैं सी बराबर फार्मूला होता है क्यू बटा में भी, इसका ऐसा ही मात्रक फैराडे होता है। किसी भी चालक का धारिता तीन बातों पर निर्भर करता है। पहला, चालक का धारिता, जितने चालक का क्षेत्रफल ज़्यादा होगा उतने ऊपर धारिता ज़्यादा होगा। उस चालक को जिस माध्यम में रखा जाएगा उस माध्यम के अपेक्षिक विद्युतशीलता का समानुपाती होगा। सपोज ये चालक है, इस चालक को हम हवा में रखेंगे तो हवा का अपेक्षिक विद्युतशीलता का समानुपाती होगा, जहाँ रखेंगे उसका अपेक्षिक विद्युतशीलता का समानुपाती होगा, यानी सी समानुपाती एप्सिलॉन डार। और आवेशित चालक के जितना ज़्यादा नज़दीक हम अनचार्ज कंडक्टर, अन आवेशित चालक रखेंगे उतना ही ज़्यादा वो चालक का धारिता बढ़ते जाएगा। ये प्रोपोर्शनल होता है नियर अनचार्ज कंडक्टर। अरे अंग्रेजी में कहाँ लिख रहे हैं, तो लोग हिंदी मीडियम है ना। नियर अनचार्ज कंडक्टर। अब देखो, अब हमने देखा कि गोलीय चालक है अगर जिसका त्रिज्या आर है, तो उस गोलीय चालक का धारिता 4πε0 × r होता है। और इस प्रकार से हमने पता लगाया कि जो अर्थ है, अर्थ का जो कैपेसिटर धारिता होता है वो 711 μF होता है, 1 F भी नहीं हो पाता है। फिर इसके बाद हमने पता लगाया कि क्या 1 cm चालक का आवेश, 1 cm त्रिज्या का गोलीय चालक अपने पास 1 कूलम्ब आवेश रख सकता है, तो नहीं। इसका आंसर यही था कि अगर किसी चालक के का चालक, अगर किसी चालक के सतह पर 3×10⁶ वोल्ट पर मीटर से तीव्रता ज़्यादा होगा तो वो चालक उस आवेश को अपने पास नहीं रख पाएगा। अगर इससे कम होगा तो रख पाएगा, और ज़्यादा होगा तो वो एयर मॉलिक्यूल्स उस चार्ज को उठा करके भाग जाएंगे। ओके, अब देखिए, फिर उसके बाद हमने देखा कि अगर कोई आवेशित चालक है तो उसके पास ऊर्जा भी होती है। कितना ऊर्जा होती है, तो यू बराबर हमने देखा कि q²/2c ऊर्जा होती है। फिर हमने देखा कि यू बराबर ½ cv² ऊर्जा होती है। फिर हमने देखा कि ½ q ही ऊर्जा होती है। इतना सारी ऊर्जा का फॉर्मूला हमने देखा, और ये जो फॉर्मूला है इन फॉर्मूला पर डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। q = q²/2c, u = ½ cv², u = ½ qv। ओके, इसके बाद हमने देखा कि उभयनिष्ठ विभव v कॉमन बोले तो बालक क्या है, तो जब एक चालक से दूसरे चालक में आवेश का स्थानांतरण होता है तो एक खास विभव पर आवेश का स्थानांतरण बंद हो जाता है। तो जिस विभव पर आवेश का स्थानांतरण बंद हो जाता है उसी विभव को उभयनिष्ठ विभव भी कॉमन बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला हमने देखा कि c₁v₁ + c₂v₂ / c₁ + c₂ होता है। फिर हमने देखा कि इसी भी कॉमन को एक और फॉर्म में लिख सकते हैं। वो कैसा फॉर्म, कि अगर पहला c₁v₁ को हमको मालूम है कि q₁ होता है +c₂v₂ q₂ = c₁ + c₂, ये उभयनिष्ठ विभव है, कोई दिक्कत। इसके बाद हमने देखा कि आवेश का स्थानांतरण जब होता है, आवेश का स्थानांतरण, तो आवेश का स्थानांतरण जब होता है तो कैसे होता है, तो मान लीजिए किसी चालक पर आवेश q है और बाद में घट करके उस चालक पर आवेश q₁ हो जाता है, तो पुराना जो था वो तो c₁v₁ का बराबर होगा, लेकिन नया जो था वो c₁v₁ के बराबर होगा, उभयनिष्ठ विभव। और जो लॉस हुआ यानी आवेश का स्थानांतरण हुआ वो किसके बराबर हुआ, तो c₁c₂/c₁ + c₂ × v₁ - v₂ के बराबर होगा। उसके बाद हम लोगों ने देखा ऊर्जा का हानि, तो जो ऊर्जा का हानि हुआ बोले तो ∆E ये किसके बराबर हुआ, 1/2 c₁c₂/c₁ + c₂ × v₁ - v₂ का होल स्क्वायर। और यहाँ तक आ करके ये ऊर्जा जो है प्रकाश, ध्वनि,
और उष्मा के रूप में लॉस हो गया, और यहाँ तक आकर के आपका कैपेसिटी का टोटल बात क्लियर हो गया। अब कोई भी टॉपिक नहीं है जो आपका कैपेसिटी में छूट रहा है। तो इस लेक्चर में इतना ही, और नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चंस करेंगे, समझ रहे हैं, क्वेश्चंस किस पर, तो कैपेसिटी से रिलेटेड जितना भी बातें हैं, हमने जितना भी बातें पढ़े उस पर क्वेश्चंस करेंगे। आपको कोशिश यही करना है कि आप लेक्चर इंट्रोडक्शन, लेक्चर फर्स्ट और सेकंड को देखकर ही क्वेश्चन सॉल्व, क्वेश्चन वाले वीडियो को देखेंगे, समझ रहे हैं। तो बोले थे ना कि एक घंटा कुछ सेकंड का वीडियो होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।